हमारा प्लैनेट, ये जो धरती है ये बहुत ही खूबसूरत है। इतने सालों में नेचर ने इसे बनाया है, लेकिन कुछ 100 ईयर्स में एक नई चीज आई है जो ह्यूमंस ने बनाई है, एक्सप्लोसिव्स। ये एक्सप्लोसिव्स बहुत पावरफुल होते हैं और आज के टाइम में ये हर जगह यूज होते हैं, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, और दुख की बात है कि वॉरफेयर में भी। हाँ, एक्सप्लोसिव से प्रोग्रेस जरूर हुआ है, लेकिन इसका एक कॉस्ट भी है। इसका असर हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ पर बहुत ज्यादा होता है। एक्सप्लोसिव्स की नेचर ही ऐसी होती है, ये बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज करते हैं और मैटर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसीलिए ये नेचर के लिए हानिकारक है। जब ये एक्सप्लोड होते हैं तो न सिर्फ जमीन की शेप बदल जाती है, बल्कि सोयल, वाटर और एयर में टॉक्सिक केमिकल्स भी फैल जाते हैं। ये केमिकल्स एनवायरनमेंट में बहुत सालों तक रह सकते हैं और इकोसिस्टम्स और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बने रहते हैं। हमें एक्सप्लोसिव्स के एनवायरनमेंट पर होने वाले इम्पैक्ट को समझना होगा ताकि हम उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकें। डायनामाइट, TNT, RDX और HMX जैसे कॉमनली यूज्ड एक्सप्लोसिव्स के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करके हम उनके यूज का रियल कॉस्ट और उनके रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट और रिमीडिएशन की जरूरत को समझ सकते हैं। एक्सप्लोसिव्स की दुनिया में हमारा जर्नी डायनामाइट से शुरू होता है, एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन जिसने प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स दोनों को जन्म दिया। 19वीं सदी में डायनामाइट की खोज ने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी। अचानक हमारे पास पहाड़ों को हिलाने की ताकत आ गई, सचमुच। हालांकि इस इनोवेशन के साथ एक हिडन कॉस्ट भी जुड़ा था, डायनामाइट का एनवायरमेंटल लेगेसी। डायनामाइट का मेन इंग्रेडिएंट नाइट्रोग्लिसरिन एक पावरफुल एक्सप्लोसिव तो है, लेकिन यह बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होता है। जब डायनामाइट फटता है तो यह सिर्फ चट्टानों को नहीं तोड़ता, यह इस टॉक्सिन को एनवायरनमेंट में भी रिलीज करता है। उन एक्सप्लोजन्स के रेमनेंट्स सालों तक मिट्टी में रह सकते हैं, जमीन को दूषित कर सकते हैं और प्रकृति के डेलिकेट बैलेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइनिंग या लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वाले इलाकों में डायनामाइट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बंजर जमीन जहां पेड़ पौधे नहीं उगते और दूषित मिट्टी इस एक्सप्लोसिव की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। डायनामाइट के छोड़े हुए निशान हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस अक्सर एक कीमत पर आता है। हालांकि डायनामाइट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, आज भी डायनामाइट के यूज के रेमनेंट्स खतरा बने हुए हैं। डायनामाइट के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कंटेमिनेटेड साइट्स को साफ करने और नेचर के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें। कई सारे एक्सप्लोसिव्स में TNT का नाम सबसे बदनाम है। 20वीं सदी में खास तौर पर युद्ध में इसका इस्तेमाल बहुत हुआ और इसने कंटेमिनेशन की एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी हमें डराती है। पूरी दुनिया में हुए युद्धों में TNT का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि इससे मिट्टी और पानी काफी हद तक दूषित हो गया है, जिसके इकोसिस्टम्स और ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। TNT डेटोनेशन के बाद गायब नहीं होता, ये दूसरे हार्मफुल केमिकल्स में टूट जाता है, जिनमें से ज्यादातर पौधों, जानवरों और इंसानों के लिए टॉक्सिक होते हैं। ये केमिकल्स मिट्टी और ग्राउंड वाटर में रिस सकते हैं, जिससे इनविजिबल लेकिन परसिस्टेंट हैजर्ड्स पैदा होते हैं। पहले के बैटल फील्ड्स और ट्रेनिंग ग्राउंड्स में TNT और उसके बाई प्रोडक्ट्स की मौजूदगी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यह उनके हैबिटेट्स और फूड सोर्सेज को कंटेमिनेट करता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में TNT के परसिस्टेंस की वजह से यह फूड चेन में जमा हो जाता है। दूषित मिट्टी में उगने वाले पौधे TNT को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जो फिर हर्बिवोर्स और आखिरकार इंसानों सहित टॉप प्रेडेटर्स तक पहुंच जाता है। इस बायो एक्यूमुलेशन से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे TNT कंटेमिनेशन एक कम्प्लेक्स और मल्टी जेनरेशनल चैलेंज बन जाता है। TNT की लेगेसी हमें इस बात की याद दिलाती है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट पर कितना ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाला इम्पैक्ट होता है। इस लेगेसी को एड्रेस करने के लिए एक कंसर्टेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है, जिसमें कंटेमिनेटेड एरियाज को साफ करने और हमारे प्लैनेट को आगे नुकसान से बचाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को शामिल किया जाए। RDX और HMX एक्सप्लोसिव्स की एक नई जेनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें उनकी जबरदस्त पावर और वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर कंट्रोल्ड डिमोलिशंस तक कई तरह के फील्ड्स में किया जाता है। हालांकि इनकी बढ़ी हुई पावर के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी आ गई है। RDX और HMX दोनों ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं
और एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। इनके कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से ये नेचुरल डिग्रेडेशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ये दशकों यहाँ तक कि सदियों तक मिट्टी और पानी में रह सकते हैं। इस परसिस्टेंस की वजह से ये बड़े क्षेत्रों को कंटेमिनेट कर सकते हैं, जो इकोसिस्टम्स और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्राउंड वाटर में RDX और HMX की मौजूदगी एक खास चिंता का विषय है, क्योंकि ये केमिकल्स पानी में घुल जाते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं, पीने के पानी के सोर्सेज को कंटेमिनेट कर सकते हैं और कंटेमिनेशन के ओरिजिनल पॉइंट से दूर रहने वाले कम्युनिटीज को प्रभावित कर सकते हैं। इन एक्सप्लोसिव्स का इनविजिबल स्प्रेड हमें कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग और रिमीडिएशन स्ट्रेटजीज की जरूरत पर जोर देता है। RDX और HMX कंटेमिनेशन की समस्या से निपटने के लिए हमें मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, इनके इम्पैक्ट को कम करने और अपने प्लैनेट की हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए हमें सेफर हैंडलिंग और डिस्पोजल मेथड्स डेवलप करने के साथ साथ इन कंटेमिनेंट्स को एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करने और हटाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत है। सेक्शन 5, द साइलेंट थ्रेट, एक्सप्लोसिव्स इन आवर वाटर। एक साफ प्राचीन नदी की कल्पना कीजिए जो एक जंगल से होकर बह रही है। अब उसी नदी की कल्पना कीजिए जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कई मील दूर इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव्स के अवशेषों को अपने साथ ले जा रही है। ये हमारे वाटर रिसोर्सेज में एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन का साइलेंट थ्रेट है। जब एक्सप्लोसिव्स फटते हैं तो उनके सारे रेजिड्यूज एक ही जगह नहीं रहते। बारिश और बर्फ पिघलने से ये अवशेष नदियों, झीलों और आखिरकार समुद्र में पहुंच जाते हैं। इस कंटेमिनेशन से पानी हमेशा अलग दिखता या महकता नहीं है, जिससे यह एक हिडन डेंजर बन जाता है। समस्या यह है कि पानी में थोड़ी सी मात्रा में मौजूद एक्सप्लोसिव्स भी एक्वाटिक लाइफ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मछली, पौधे और अन्य जीव जो पानी में रहते हैं, ये टॉक्सिन्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल प्रभावित होती है। यह एक धीमे जहर की तरह है जो हमारे जलमार्गों में मौजूद जीवन के वेब में रिस रहा है, और हमें सिर्फ एक्वाटिक लाइफ पर पड़ने वाले तुरंत इम्पैक्ट के बारे में ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। पानी में मौजूद एक्सप्लोसिव्स लंबी दूरी तय कर सकते हैं, पीने के पानी के सोर्सेज को कंटेमिनेट कर सकते हैं और पोल्यूशन के ओरिजिनल सोर्स से दूर रहने वाले लोगों की सेहत को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह इनविजिबल थ्रेट हमें अपने प्लैनेट के इंटरकनेक्टेडनेस और एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 6, अ टॉक्सिक इनहेरिटेंस, द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, लेकिन ह्यूमन हेल्थ पर उनका इंपैक्ट भी उतना ही अलार्मिंग है। दूषित मिट्टी, पानी या हवा के जरिए एक्सप्लोसिव्स के संपर्क में आने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें से कुछ तुरंत होती हैं और कुछ सालों तक संपर्क में रहने के बाद सामने आती है। सबसे तुरंत होने वाले खतरों में से एक है अक्यूट पॉइजनिंग, जो एक्सप्लोसिव्स की ज्यादा कंसंट्रेशंस के सीधे संपर्क में आने से या एक्सप्लोसिव डस्ट या फ्यूम्स के इनहेलेशन से हो सकती है। अक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स में स्किन इरिटेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लेकर सीजर्स, कोमा और यहां तक कि मौत जैसी ज्यादा गंभीर स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इफेक्ट्स की सेवेरिटी एक्सप्लोसिव के टाइप, एक्सपोजर के लेवल और व्यक्ति की ससेप्टिबिलिटी पर निर्भर करती है। लंबे समय तक एक्सप्लोसिव्स के लो लेवल्स के संपर्क में रहने से क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टडीज में यह बात सामने आई है कि लंबे समय तक एक्सप्लोसिव्स के संपर्क में रहने से कुछ खास तरह के कैंसर, लिवर और किडनी डैमेज, रिप्रोडक्टिव इश्यूज और बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंसीडियस होते हैं, क्योंकि ये एक्सपोजर के सालों या दशकों बाद तक भी नजर नहीं आते, जिससे क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लोसिव्स के खतरों से ह्यूमन हेल्थ की रक्षा करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें जहां तक हो सके एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल को कम करना, उनकी हैंडलिंग और डिस्पोजल के दौरान सख्त सेफ्टी मेजर्स लागू करना और आगे एक्सपोजर को रोकने के लिए कंटेमिनेटेड साइट्स को साफ करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स डेवलप करना शामिल है। सेक्शन 7, नेचर टू द रेस्क्यू, बायो रिमीडिएशन। एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन को साफ करने के मुश्किल काम का सामना करते हुए साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने इंस्पिरेशन के लिए खुद नेचर की ओर रुख किया है। बायोरिमीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की शक्ति का उपयोग करती है और एनवायरमेंट से इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने का एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन है।
कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक्सप्लोसिव्स भी शामिल हैं को तोड़कर सिंपलर कम हानिकारक पदार्थों में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये छोटे जीव कंटेमिनेंट्स को खाते हैं, उन्हें अपने भोजन और ऊर्जा के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए ये हार्मफुल एक्सप्लोसिव्स को कम टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं जिससे मिट्टी और पानी अच्छी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। कंटेमिनेटेड साइट की स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से बायो रिमीडिएशन को कई तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक तरीका है मिट्टी या पानी में न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन डालकर नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ावा देना। दूसरा तरीका है बैक्टीरिया या फंजाई के स्पेशली कल्टिवेटेड स्ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करना जो खास तौर पर कुछ खास तरह के एक्सप्लोसिव्स को तोड़ने में इफेक्टिव होते हैं। हालांकि बायो रिमीडिएशन एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन है, लेकिन यह कोई क्विक फिक्स नहीं है। इस प्रोसेस में समय लग सकता है, कभी कभी सालों लग सकते हैं। जो कंटेमिनेशन की मात्रा, मौजूद एक्सप्लोसिव्स के टाइप्स और टेम्परेचर और पीएच जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। हालांकि बायो रिमीडिएशन के फायदे जैसे कि ट्रेडिशनल रिमीडिएशन मेथड्स की तुलना में इसकी रिलेटिवली लो कॉस्ट और न्यूनतम एनवायरमेंटल डिसरप्शन इसे कंटेमिनेटेड साइट्स को रिस्टोर करने का एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। सेक्शन 8, हीलिंग द अर्थ, फाइटो रिमीडिएशन। दूषित जमीन को साफ करने के लिए पौधों की शक्ति का इस्तेमाल करने की कल्पना कीजिए। यह है फाइटो रिमीडिएशन का आइडिया, जो एक्सप्लोसिव्स पोल्यूशन की समस्या से निपटने का एक और इनोवेटिव तरीका है। जिस तरह कुछ पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसी तरह कुछ स्पीशीज एक्सप्लोसिव्स सहित हार्मफुल कंटेमिनेंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। फाइटोरिमीडिएशन कई तरीकों से काम करता है। कुछ पौधे नेचुरल स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं जो मिट्टी और पानी से एक्सप्लोसिव्स को अपनी जड़ों और पत्तियों में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यह प्रोसेस, जिसे फाइटो एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, एनवायरनमेंट से कंटेमिनेंट्स को प्रभावी ढंग से हटा देता है और उन्हें पौधे के टिश्यू में कंसेंट्रेट कर देता है। अन्य प्लांट स्पीसीज एक अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी में ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो एक्सप्लोसिव्स को कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ देते हैं। यह प्रोसेस, जिसे फाइटो डिग्रेडेशन कहा जाता है, मिट्टी को सीधे डिटॉक्सिफाई करता है जिससे यह अन्य जीवों के लिए सुरक्षित हो जाती है। फाइटो रिमीडिएशन के लिए प्लांट स्पीसीज का चुनाव मौजूद एक्सप्लोसिव्स और कंटेमिनेटेड साइट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सनफ्लावर्स कुछ खास एक्सप्लोसिव्स को अब्सॉर्ब और न्यूट्रलाइज करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि पॉपुलर ट्रीज TNT को हटाने में बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्चर्स लगातार फाइटो रिमीडिएशन के लिए विभिन्न प्लांट स्पीसीज की क्षमता को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज से होने वाले नुकसान को ठीक करने के लिए नेचर की क्षमता को अनलॉक किया जा सके। सेक्शन 9, द लॉन्ग रोड टू रिकवरी। एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन को साफ करना कोई क्विक फिक्स नहीं है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग, साइंटिफिक एक्सपर्टीज और काफी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। पहला कदम है कंटेमिनेटेड साइट का एक थरो असेसमेंट करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के और कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स मौजूद हैं, कंटेमिनेशन कितना फैला है और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को क्या संभावित खतरे हैं। एक बार असेसमेंट पूरा हो जाने के बाद रिमीडिएशन एक्सपर्ट साइट की स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर एक टेलर्ड प्लान बनाते हैं। इस प्लान में विभिन्न मेथड्स का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है, जिसमें एक्सकवेशन और कंटेमिनेटेड सोयल के डिस्पोजल जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ साथ बायो रिमीडिएशन और फाइटो रिमीडिएशन जैसी इनोवेटिव टेक्निक्स भी शामिल हैं। चुना गया तरीका एक्सप्लोसिव्स के टाइप और कंसंट्रेशन, कंटेमिनेशन की गहराई और क्षेत्र की एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। रिमीडिएशन कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुने गए तरीके प्रभावी हैं और क्लीनअप की प्रगति को ट्रैक किया जा सके। मिट्टी, पानी और हवा की नियमित जांच से यह पता चलता है कि क्या कंटेमिनेशन लेवल्स कम हो रहे हैं और क्या रिमीडिएशन प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत है। एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन से उबरने के लिए हमें गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज की तरफ से लगातार प्रयास करने की जरूरत है। रिसर्च में इन्वेस्ट करके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करके और इफेक्टिव रिमीडिएशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके
हम कंटेमिनेटेड साइट्स को रिस्टोर करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सेक्शन 10, प्रिवेंशन द बेस्ट सॉल्यूशन। मौजूदा एक्सप्लोसिव्स कंटेमिनेशन को एड्रेस करने के लिए रिमीडिएशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट और हमारी हेल्थ की रक्षा करने के लिए प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल को कम करके, सुरक्षित विकल्पों की तलाश करके और रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग और डिस्पोजल प्रैक्टिसेस को लागू करके हम इन पावरफुल पदार्थों से जुड़े खतरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कई इंडस्ट्रीज में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस को एक्सप्लोर करने से ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन सेक्टर्स में हाइड्रोडेमोलिशन जैसी इनोवेटिव टेक्निक्स, जिसमें हाई प्रेशर वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और रोबोटिक डेमोलिशन सिस्टम्स एक्सप्लोसिव्स की जरूरत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसी तरह माइनिंग इंडस्ट्री में अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्शन मेथड्स को एक्सप्लोर करने और ज्यादा एफिशिएंट ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग टेक्निक्स डेवलप करने से इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सप्लोसिव्स की मात्रा और इसके परिणाम स्वरूप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। कंटेमिनेशन को रोकने के लिए एक्सप्लोसिव्स की रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग और डिस्पोजल बहुत जरूरी है। इसमें हैंडलिंग के दौरान उपयुक्त सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, एक्सीडेंटल डेटोनेशन या चोरी को रोकने के लिए एक्सप्लोसिव्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करना और अनयूज्ड एक्सप्लोसिव्स और कंटेमिनेटेड मटेरियल्स को ऑथराइज्ड चैनल्स के माध्यम से डिस्पोज करना शामिल है, जो सख्त एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का पालन करते हैं। सेक्शन 11, अ सेफर फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आधुनिक दुनिया को आकार देने में एक्सप्लोसिव्स ने एक भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी विरासत प्रगति और प्रदूषण का एक मिश्रित रूप है। जैसा कि हमने एक्सप्लोसिव्स की दुनिया का सफर तय किया है, डायनामाइट की ग्राउंड ब्रेकिंग शक्ति से लेकर RDX और HMX के लगातार बने रहने वाले खतरे तक, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, हमारा प्लैनेट इससे बेहतर का हकदार है। एक्सप्लोसिव्स के हानिकारक प्रभावों से मुक्त भविष्य की राह एक सामूहिक प्रयास की मांग करती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारें एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल और निपटान पर सख्त नियम लागू करें, इंडस्ट्रीज सस्टेनेबल प्रथाओं को प्राथमिकता दें और क्लीनर टेक्नोलॉजीज में निवेश करें, और लोग इस मुद्दे के बारे में खुद को शिक्षित करें और रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लोसिव्स मैनेजमेंट की वकालत करें। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां विस्फोटों की गूंज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सूचक न होकर एक दूर की याद हो, जिसकी जगह प्रकृति के अपनी जगह वापस पाने की आवाजों ने ले ली हो। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है, एक ऐसा भविष्य जहां हवा साफ हो, पानी शुद्ध हो और मिट्टी उपजाऊ हो, एक ऐसा भविष्य जहां हम प्रदूषण की नहीं बल्कि संरक्षण की विरासत छोड़े, इनोवेशन को अपनाकर, सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देकर और अपने प्लैनेट के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां एक्सप्लोसिव्स की शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाए और उनकी हानिकारक विरासत इतिहास के पन्नों में दब जाए। यह एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है, लेकिन हमें अपने प्लैनेट और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे अपनाना होगा।